Okay, good afternoon everyone. I hope you can see the screen and you can hear me, right? Okay. Fine. Okay, so I think there was some homework given in the last class, right? Is that done? In text 10. ठीक है, in text 10 में किसी को कोई डाउट है? 1 to 5. Everybody, in text 10 में किसी को डाउट है? 1 to 5 में? 1 to 5 में कोई डाउट नहीं है. ठीक है, 6 to 10. वन टू फाइव में कोई डाउट नहीं, 6 to 10 में कोई डाउट नहीं. ओके, तो फिर आगे बढ़ जाएं. ओके, ठीक है. तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर सब लोग क्लियर है ना? एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एनी प्रोसीड इन द नेक्स्ट टॉपिक? अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल इंटरेक्शन, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, दैट इज अ स्पेशल इंटरेक्शन, क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, राइट? कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देता है, ऑल्दो ये फिजिकल इंटरेक्शन है. इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं और इसको वंडरवॉल फोर्सेस में नॉर्मली नहीं रखते. ठीक है, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिर से रिविजन चाहिए तुम्हें भावेश? भावेश, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिविजन? तो फिर किसकी रिविजन की बात कर रहे हो? किस चीज की रिविजन? पूरे चैप्टर की एक बार रिविजन? हाँ, पूरे चैप्टर का एक रिविजन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. देखो, अभी हम पढ़ते हैं वंडरवॉल फोर्सेस. देखो, वंडरवॉल फोर्सेस बेसिकली ये तो फिजिकल इंटरेक्शन है ना. तो वंडरवॉल फोर्सेस क्या है? दीज आर इंटरमोलिक्यूलर फिजिकल इंटरेक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच होल्ड देम टुगेदर. हाँ, ये पहली ही पेज है जिसपे हम लोग लिख रहे हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट पेज. एवरीबॉडी डन और नॉट? ओके, फाइन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस. देखो, सबसे जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है, दैट इज आयन डाइपोल. एवरीबॉडी, आयन डाइपोल फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट भी उसी सीक्वेंस में करेंगे, आयन डाइपोल. ये समझ में आ रहा है? श्रेयस सिंधे, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ. अरे, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, उसमें होने से क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रो श्रेयस, एक्चुअली ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर. ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाता, तो इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है. इतना ही है. इज दैट क्लियर श्रेयस? देखो, आयन डाइपोल का मतलब क्या है? इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन एंड आयन एंड ए डाइपोल. जैसे Na प्लस को पानी में डाला तुमने, ठीक है, तुमने Na प्लस को पानी में डाला, राइट? तो Na प्लस क्या करेगा? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव है, तो ये इंटरेक्शन चालू हो जाएगा. और इसके बाद हुआ क्या? वाटर के जो खाली जगह होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह, वहां पे Na प्लस कहीं फिट हो जाएगा. तो ये जो इनका इंटरेक्शन है, व्हाट यू कैन सी ओवर हियर,
ये वाला जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? अरे आवाज क्लियर है मेरी तरफ से एवरीबॉडी? आवाज सही से आ रही है या फिर कुछ ब्रेक हो रहा है? अपने साइड इंटरकनेक्ट कनेक्शन चेक करो. मेरा तो स्पीड सही है, लगभग 54 एमबीपीएस अपलोडिंग दिखा रहा है. रिटर्न एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड डाइपोल. अब देखो होता क्या है, तुम जानते हो कि यदि दो परफेक्ट चार्जेस हैं Q1 और Q2 तो उनके बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 by R2 और उनकी एनर्जी होती है K Q1 Q2 by R. तो ये तो आयनिक बॉन्ड में होगा ना, Q1 Q2 जो कि सेपरेटेड है R डिस्टेंस से, ये तो आयनिक बॉन्ड होगा. तो अब इंटरैक्शन उतना ज्यादा मजबूत होगा जितना एक्चुअल चार्जेस रहेंगे. यदि प्रॉपर चार्जेस रहेंगे तो इंटरैक्शन ज्यादा होगा. Is that clear? Everybody, is that clear? यदि proper charges होंगे तो interaction ज्यादा होगा और partial charges होंगे तो interaction कम होगा. ये समझ में आ रही है सबको बात? Is that clear or not? यदि proper charges होंगे तो what is F and U? Everybody, F यहाँ पे क्या है? F is over here is force between two charges Q1 Q2 separated by a distance R. And U is the potential energy. ये हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है सबको? तो अब देखो इंटरैक्शन 1/r पे डिपेंड कर रहा है, यानी समझ रहे हो इंटरैक्शन ज्यादा. 1/r का मतलब क्या, ये लिख लिया सबने? मैं समझाता हूं 1/r का मतलब. एवरीडे रिटन और नॉट? Okay, then write it down. Done, everyone? Okay. तो देखो हमने इंटरेक्शन लिखा 1/r के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है? जैसे यदि तुम्हारे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, उनकी पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 by r. अब तुमने ये डिस्टेंस को r से कर दिया 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U डैश, ये U by 2 हो जाएगी ना. एवरीडी इज दैट क्लियर? हाफ हो जाएगी. तो यहाँ पे यही मतलब है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस को पानी में डालोगे तो Na प्लस रहेगा कुछ H2O मॉलिक्यूल्स के साथ X और Cl माइनस रहेगा कुछ H2O मॉलिक्यूल के साथ, लेट्स से उसको हम Y बोल देते हैं. तो अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो हम क्या बोलेंगे बताओ? इनके बीच में जो इंटरेक्शन है Na प्लस H2O होल X एंड दिस इज लेट्स से Cl माइनस H2O होल Y, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको एवरीबॉडी? This interaction and this interaction, they are ion dipole interactions. Written, everyone? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल. राइट ऑन.
रिटर्न ओके। अच्छा ये समझने की कोशिश करो कि डाइपोल डाइपोल में आयन डाइपोल से ज्यादा इंटरेक्शन होगा या कम। जैसे ये एक डाइपोल है H प्लस Cl माइनस, ये दूसरे H प्लस Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर पहले क्या था, पिछले केस में प्रॉपर चार्ज और पॉइंट चार्ज था ना, है ना। यहाँ पे दोनों पार्शियल चार्जेस हैं, यहाँ पे दोनों क्या है एवरीबॉडी पार्शियल चार्जेस हैं, यहाँ पे दोनों पार्शियल चार्जेस हैं, तो इंटरैक्शन आयन डाइपोल में कम होगा डाइपोल डाइपोल से। ये समझ में आ रहा है, इंटरैक्शन जो है वो आयन डाइपोल में ज्यादा होगा और डाइपोल डाइपोल में कम होगा। मतलब यहाँ पे चार्जेस कम है, मतलब क्या है, जैसे Na प्लस के ऊपर प्लस ई चार्ज होगा, यानी कि इसके ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होगा, और यदि H2O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है Q, इट इज लेस देन 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अब ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो तो रिलेटिवली कम ही आएगी ना, तो अब ये दोनों पार्शियल चार्जेस हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल से बेहतर होगा। सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स, दो परमानेंट डाइपोल के बीच में ये जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी इसको भी लिख लो, सिद्धेश रिटर्न, सिद्धेश रिटर्न ओके फाइन। अच्छा इंटरैक्शन एनर्जी जो है वो आर का फंक्शन है। अब इंटरैक्शन एनर्जी में आर का फंक्शन है ये आपको पता होगा, तो अब देखो क्या है, इंटरैक्शन एनर्जी को यदि मैं ऐसा लिखता हूं, इंटरैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, ऐसा मैं लिखूं, तो इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होगा एवरीबॉडी, आयनिक बॉन्ड जो प्रॉपर बॉन्ड होता है उसमें एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जो डाइपोल डाइपोल होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यदि डाइपोल स्टेशनरी है यानी मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसके केस में एन की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनके बीच में होती है, आयनिक बॉन्ड में एन 1 कैसे, लैटिस एनर्जी क्या होता है, के क्यू 1 q 2/r, इज दैट क्लियर, एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज एनी नंबर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आयन डाइपोल के केस में इट विल लाई एन लाइज एन इज इन बिटवीन 1 and 3, ये पहले लिखो सब लोग। Everybody written? हाँ पहले ये लिख लो, तो write it down. We'll talk about it. Written everyone? अच्छा अब जरा बात करते हैं सबसे पहले, ओके सिद्धेश राइट डाउन,
ओके डन। ओके अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड में तो प्रॉपर चार्जेस होते हैं एवरीडी, आयनिक बॉन्ड में तो प्रॉपर चार्जेस होते हैं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से यहाँ पे एन की वैल्यू वन होगी, इज दैट क्लियर और नॉट? आयनिक बॉन्ड में प्रॉपर चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से यहाँ पर तो वन होना ही चाहिए, इज दैट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इनकी, जैसे डाइपोल डाइपोल स्टेशनरी आयन डाइपोल के केस में। देखो इनके ऊपर कोई प्रॉपर चार्ज तो होता नहीं है ना, इनके ऊपर तो कोई प्रॉपर चार्ज होता नहीं है, तो इनके लिए कोई फिक्स थ्योरी है क्या? एवरीबॉडी इनके लिए कोई फिक्स थ्योरी है? एवरीबॉडी इनके लिए कोई फिक्स थ्योरी है या प्रॉपर चार्जेस नहीं है तो? अच्छा देखो क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में और इनफैक्ट मेडिकल साइंसेज में भी बहुत सारी चीजें, अरे पहले सुन तो लो, मैंने यहां पे बोला आयनिक बॉन्ड का भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, आयनिक बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा? आयनिक बॉन्ड कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि n इज इक्वल टू वन कैसे आया? तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो डिस्कशन है ना बोर थ्योरी के पहले वो देख लीजिए, वहां पे चार्जेस की बात हम लोग करते हैं कि जैसे मेन देयर आर टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो उनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? ठीक है, वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले बोर थ्योरी के पहले हमने पॉइंट चार्जेस के बेसिस पे हमने ये निकालना सीखा था कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, कैसे हम इंटरैक्शन एनर्जी निकालते हैं, कैसे हम फोर्सेस निकालते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, पॉइंट चार्जेस के केस में आप कैसे निकालते हैं आप उसको देख लीजिए, ये सिंपल सी थियरी होती है, आपको समझ में आ जाएगा। हमने वहां पर प्रॉपर डिफाइन किया है कि एक चार्ज पॉइंट क्यू वन है और दूसरा पॉइंट चार्ज क्यू टू है और उनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच का फोर्स कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, जीरो एनर्जी का मतलब क्या है, ये सारी बातें हमने की हुई हैं। इसमें आधा घंटा से 40 मिनट लग गया था समझाने में, और यदि तुम चाहते हो कि यार फिर से 40 मिनट करें तो पॉसिबल नहीं है, और मैं तो ऑब्वियसली इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि जो पहले बताया गया है वो तुम्हें आना चाहिए, फिर तो यदि हम सारा चीज रिवाइज करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए, सिलेबस को भी तो आगे लेके जाना है। तो n वाला वन तो आप जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार उसको देख सकते हैं लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल की और आयन डाइपोल की। तो सबसे पहली बात, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल में कोई फिक्स चार्जेस तो होते नहीं, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, आयन में यहाँ पे फिक्स चार्जेस है, डाइपोल में कोई फिक्स चार्जेस होते नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कोई ये लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो इनके ऊपर कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इनके लिए कोई थ्योरी है क्या? एवरीबॉडी एवरीबॉडी इनके लिए कोई थ्योरी है? तो जिस चीज के लिए थ्योरी नहीं होती है उसको क्या करेंगे बताओ? जैसे मैं वही समझा रहा था तुम्हें, बात करो बायोलॉजी की या फिर केमिस्ट्री में, कुछ जगह पे क्या होता है कि कुछ चीजों को सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे ट्रायल लिए जाते हैं। जैसे कोविड का वैक्सीन आ रहा है तो कोविड के वैक्सीन के लिए बहुत सारे ट्रायल लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है, हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो जब बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं तो एग्जैक्ट कोई एक थ्योरी उसको नहीं बता सकती है, तो हम रिजल्ट के बेसिस पे चलते हैं ना, काम करते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनाते हैं, इज दैट क्लियर? जैसे कूलम्स लॉ कैसे आया था, Q1 Q2 / R² कैसे किया, पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस चेंज किया तो देखा क्या रिलेशन R के साथ बन रहा है, क्या रिलेशन Q के साथ बन रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थ्योरी बनाते हैं, इज दैट क्लियर? जैसे मान लो किसी को एक खतरनाक बीमारी है, मरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, मरने के 95% चांसेस हैं, और एक उसकी एक दवाई है जिसके, या फिर कोई एक सर्जरी है जिसके थ्रू उसके बचने के चांसेस 60% होते हैं यदि वो सर्जरी कराया, तो बताओ बंदा सर्जरी करेगा या नहीं करेगा? तो डॉक्टर ये बताएगा कि आपके मरने के टपकने के 95% चांसेस है और ये सर्जरी कराओगे तो
इसके में बचने के 60% चांसेस हैं। तो अब वो कोई थ्योरी तो नहीं बता रहा है, वो तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहा है ना। तो अब ये कहां से उसको पता चल रहा है? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो हर चीज थ्योरी से नहीं निकलती, ऑब्जर्वेशन से भी थ्योरी बनती है। जैसे तुमने पढ़ा है K Q1 Q2 R2, ये ऑब्जर्वेशन से ही निकलता है ना। तो अब जैसे पॉइंट चार्जेस के लिए देखा गया कि डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी कोई थ्योरी कहां से, कोई डिराइव थोड़ी किया कुलम ने, ये तो ऑब्जर्वेशन से ही निकाला ना उसने K Q1 Q2 R2, ऑब्जर्व किया उसके बाद देखा। तो अब बेसिकली जैसे हमने आयन पॉइंट चार्जेस के लिए निकाला, वैसे डायपोल डायपोल के लिए भी निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन से ही निकालेंगे। आयन डायपोल के लिए भी निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन से ही निकालेंगे, ठीक है। ओके रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, यदि n की वैल्यू ज्यादा हो रही है इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब समझ रहे हो? यदि n की वैल्यू 1 है तो डिस्टेंस यदि तुमने d'(2d) कर दिया, यानी डिस्टेंस डबल कर दिया, या फिर बोल सकते हो r' यदि 2r कर दिया, तो u' क्या आएगा? u/2। यदि n इज इक्वल टू 2 है और r' तुमने 2r किया, तो u डैश क्या आएगा? u/4। यदि n इज इक्वल टू 3 है और r' तुमने r 2r किया, तो u डैश क्या बनेगा? u/9। ये समझ में आ रहा है? 2/8, सॉरी u/8। हाँ, n इज इक्वल टू 4 किया तो r' हो जाएगा 2r, तो u डैश क्या आएगा बताओ? u/16। n इज इक्वल टू 5 किया और r डैश किया 2 times r, तो u डैश क्या आएगा? u/32। और n इज इक्वल टू 6 कर दिया और r डैश किया 2r, तो u डैश क्या आएगा? u/64। तो अब तुम्हें क्या लगता है, ये फिजिकल, ये जो है फोर्स, तुम्हें नहीं लगता डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? डिस्टेंस डबल करो तो इंटरेक्शन 64 टाइम्स कम हो जाता है, इज दैट क्लियर? यानी ये टेम्पररी फोर्स है जो कि नजदीक आने पे ही चालू होता है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे फोर्सेस जो नजदीक आने पे ही चालू होते हैं और डिस्टेंस बढ़ाने पे खत्म ही हो जाते हैं, उनको वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसका, ये चमक रहा है बात तुम्हें? ये सारे फोर्सेस जो है वो डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, यदि डिस्टेंस डबल करो तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो इसको इंटरेक्शन एनर्जी के टर्म्स में ऐसे डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? राइट इट, पहले ऋषिदेश लिख लो इसको, राइट इट डाउन। Done everybody. देखो जब हमने वंडर वाल इंटरेक्शन स्टार्ट किया था तो कैसे स्टार्ट किया था याद है? एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़का है जो घूमता था, समोसे के ठेले की तरफ जाता था तो समोसे की तरफ अट्रैक्ट होता था, आइसक्रीम वाले कॉर्नर से जाता था तो वहां अट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है, उसको जिधर दिखता था उधर अट्रैक्ट हो जाता था, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, डिस्टेंस दूर हो गया तो इंटरेक्शन खत्म हो जाता था। तो हमने बात करी थी कि ऐसे फोर्सेस जो डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और डिस्टेंस बढ़ने पे एकदम खत्म हो जाते हैं, उनको वंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं। Is that clear? Everybody, is that clear or not? तो अब इसको मैथमेटिकली हम समझ पा रहे हैं, ऐसे फोर्सेस जो कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होने पे ही काम करते हैं और डिस्टेंस बढ़ाने पे खत्म हो जाते हैं, जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड है ही नहीं, वो सिर्फ डिस्टेंस कम होने पे चालू होता है, तो वैसे फोर्सेस को हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस।
और ये टॉपिक हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था, और वही चीज का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हम इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शन एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, रिटर्न एवरीवन। कैन आई स्क्रोल डाउन नाउ? अभी किसी को डाउट है? अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैन आई स्क्रोल डाउन नाउ? ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं। देखो, एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा बताओ? आई विल टेल यू व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे मान लो HCl है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन है, तो ये इसके बगल में आया तो थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर भी पॉजिटिव और इसके ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ ये चार्जेस थोड़ी देर के लिए, जैसे ही यहां से गुजरेगा चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे पिछले वाले जो हमने फोर्सेस पढ़े वो सब परमानेंट थे, ये समझ में आ रहा है? पिछले वाले जो फोर्सेस पढ़े थे वो हमने कैसे पढ़े थे? वो परमानेंट थे, राइट? वो हमेशा रहेंगे। ये जो चीजें हमने पढ़ी थी ये परमानेंट हैं, ये परमानेंट इंटरैक्शन है। ये लिख सकते हो नोटबुक में कि ये परमानेंट इंटरैक्शन है, ये हमेशा रहेगा, राइट? ठीक है एवरीबॉडी, ये तो परमानेंट इंटरेक्शन है, ये सबने लिख लिया ना? अब देखो क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब ये परमानेंट डाइपोल है, ये परमानेंट डाइपोल, एंड दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। ये परमानेंट डाइपोल है और ये इंड्यूस डाइपोल है। जैसे इसको दूर लेके जाओगे इंडक्शन खत्म, चार्जेस खत्म हो जाएंगे ना। अब ये आयन इंड्यूस डाइपोल है, जैसे Na प्लस है तो इसके पास पास आएगा H2, तो इसके ऊपर हो सकता है डेल्टा माइनस क्रिएट हो जाए थोड़ी देर की, और यहाँ पे डेल्टा प्लस क्रिएट हो जाए। जैसे ही डिस्टेंस खत्म तो ये भी खत्म, तो अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये भी टेम्पररी है, राइट? एवरीबडी इज दैट क्लियर? दिस इज टेम्पररी डाइपोल बोल सकते हो, या फिर इंड्यूस डाइपोल बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये बताओ टेम्पररी इंटरेक्शन है या परमानेंट इंटरेक्शन है? एवरीबॉडी, ये दोनों कैसे हैं? टेम्पररी इंटरेक्शन है। तो अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये रिलेटिव इंटरैक्शन है। ओके, राइट इट डाउन देन। आयन इंड्यूस वाली ये वाली लाइन, ये अलग कलर से जो दिखाई है मैंने, ये डैश लाइन जो दिखाई है, ये वाली। ठीक है भावेश, रिटर्न एवरीवन। Can I scroll down? Okay, now let us talk about the last interaction, and that is called London force. ठीक है? That is called London force or dispersion force. ठीक है? London force or dispersal force.
अरे ये फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा पतला हो गया क्या? ये दिख रहा है, एक सेकंड रुको, चेंज करिए। नाउ इट इज बेस्ट। देखो लंडन फोर्स, और डिस्पर्जल फोर्स। देखो ये बेसिकली पाया जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। सी दिस इज फाउंड, इट इज फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 F2 एक्सेट्रा। ये देखने को मिलता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे अभी मैंने बात करी H2O2 F2 एक्सेट्रा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम ट्रेन में जा रहे हो, यू आर मूविंग इन अ ट्रेन एंड देयर इज अ पैसेंजर सिटिंग बिसाइड यू, तुम्हारे बगल में एक बंदा बैठा है, आई एम अज्यूमिंग यू आर आल्सो बंदा, ठीक है? अब तुम लोग दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन ट्रेन में यू विल बी सिटिंग फॉर लेट्स से अराउंड 8 आवर्स, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बात करोगे अपने बगल वाले से? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? करने की प्रोबेबिलिटी है, मान लो तुम 8 घंटे बैठते हो उसके बगल में, तो करने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो अब एक बात बताओ, अब देखो ऐसा तुम्हारे और उसके बीच में कोई अट्रैक्शन का कोई रीजन है नहीं, इज दैट क्लियर? कोई इंटरेक्शन का रीजन नहीं है, अट्रैक्शन का रीजन नहीं है, फिर भी डिस्टेंस इतना कम है कि तुम्हें बात करी, तुम बात कर ही ले रहे हो, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तुम उसको भूल जाओगे ना। अरे जैसे ही तुम लोग अलग हो गए भूल जाओगे। तो ये जो इंटरेक्शन है ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इंटरेक्शन डिस्टेंस के वजह से ही डेवलप होता है। तो अब इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर आई विल टेल यू, इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे बहुत वीक होगा। ऐसी इंटरेक्शन तभी होगी जब डिस्टेंस काफी कम हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर नॉट? ऐसी इंटरेक्शन तभी होगी जब डिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। कोई दिक्कत है? तो अब यहां क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल फोर्स। देखो मान लो ये दो न्यूट्रल एटम्स हैं, ये दो न्यूट्रल एटम्स हैं, तो अब इनके ऊपर भी चार्जेस जनरेट हो सकते हैं बाई फिजिकल मेथड। ऐसे कंघी रगड़ोगे ना, यू कैन सी उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है इंडक्शन से। तो कोई फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से उनके ऊपर भी टेम्पररी चार्ज जनरेट हो गया, सपोज इस तरफ टेम्पररी चार्ज, तो ये इसके ऊपर माइनस चार्ज जनरेट कर देगा, फिर ये इसके ऊपर ये प्लस जनरेट करेगा, फिर बगल वाले के ऊपर माइनस, फिर बगल वाले के ऊपर प्लस, फिर ये चलता रहेगा ना इस तरह से, फिर माइनस, फिर इस तरह से प्लस। तो अब ये जो है, जैसे ही तुमने फिजिकल रबिंग बंद किया तो ये खत्म हो जाएगा। Everybody, ये फिजिकल रबिंग जैसे ही बंद कर दिया तो ये चार्जेस खत्म हो जाएंगे ना। तो हम बोलते हैं क्या, इट इज जेनरेटेड ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, इंस्टेंटेनियस डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। देखो एक्चुअली में यहां कोई चार्ज था नहीं, थोड़े इंस्टेंट के लिए चार्ज डिस्पर्स हुआ और उस इंस्टेंट पे ये इंटरैक्ट करने लगे एक दूसरे को। Is that clear? और वो कोई फिजिकल मेथड से हो सकता है, और ये इंटरेक्शन एनर्जी बहुत कम है, ये तभी देखने को मिलेगा जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। ये कहां पे मिलेगा, तुम्हें यहां भी मिल सकता है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, नोबल गैसेस में भी इस तरह का ही रहता है, ठीक है? कितना डिस्टेंस कम ये आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेक्शन एनर्जी से समझ सकते हैं। डिस्टेंस कुछ एंगस्ट्रॉम में रहेंगे तब, एंगस्ट्रॉम वगैरह वगैरह मान लो। Okay, done everyone.
इंस्टेंटेनियस डिस्पर्जल ऑफ चार्ज मतलब किसी इंस्टेंट पे चार्ज डिस्पर्जल। जैसे तुम जो अपने आर की पावर 6 है, 6 रिटर्न चार्ज डिस्पर्सल का मतलब जैसे तुमने फ्रिक्शन या रबिंग किया तो मैकेनिकल मेथड से चार्जेस जनरेट हो गए किसी पॉइंट पे। जैसे द वेरी कॉमन एग्जांपल, जैसे कंघी करोगे ना और टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर देता है, तो कंघी के फ्रिक्शन से रबिंग हुआ, पेपर अट्रैक्ट हुआ, तो पेपर भी तो इंस्टेंटेनियसली उस पॉइंट के लिए चार्ज जनरेट हुआ। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस चार्जेस, चार्ज डिस्पर्सल। चार्ज डिस्पर्सल का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाना थोड़ी देर के लिए। जैसे पोलराइजेशन पढ़ा था ना, ये सीएल माइनस है तो ये अनपोलराइज्ड है, तो वो तो परमानेंट पोलराइजेशन होता था, यहाँ पे टेम्पररी होगा, ये थोड़ी देर के लिए इधर नेगेटिव आ गया तो ये घूम जाएगा ना इस तरफ, मतलब इसको पकड़ के आगे की तरफ खींच दो, तो ये है पोलराइज्ड। तो ये इंस्टेंटेनियस है और ये टेम्पररी इंटरेक्शन है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव इंटरेक्शन की बात करें, रिलेटिव इंटरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, और सबसे बेकार कौन? लंडन फोर्स, ठीक है एवरीबॉडी। सॉरी, आयन डाइपोल के बाद आएगा डाइपोल डाइपोल, एक चीज छूट गया, डीडी आएगा बीच में, ठीक है ना, बीच में डीडी डाल देना, डाइपोल डाइपोल। रिटर्न एच बॉन्ड इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है श्रेयस, आयन इंड्यूस डाइपोल से वीक ही होता है एच बॉन्ड, ठीक है श्रेयस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज आयन डाइपोल, इज दैट क्लियर। यदि तुम ऑर्डर पूछोगे तो आई डी, उसके बाद एच बॉन्डिंग, उसके बाद फिर आएगा डी डी, फिर आएगा डी आई, फिर आएगा डाइपोल, क्योंकि वहां पे परफेक्ट चार्जेस थोड़ी होते हैं, वहां भी तो चार्जेस पार्शियली होते हैं ना। आयन डाइपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, सॉरी क्या है, डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल। अरे यार ये उल्टा नहीं हो गया, ये ऑर्डर देखो, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ, ये ऑर्डर देखो कैसा है, आयन इंड्यूस्ड, आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच बी लिख देता हूं यहाँ पे, फिर आएगा क्या, डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए देखो, और कुछ बचा है क्या, फिर लास्ट में लंडन फोर्स। यदि तुम सबको कंपेयर करो तो लंडन फोर्स बोलते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना उसको अलग ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्टडीड सेपरेटली एंड इट इज नॉर्मली नॉट इंक्लूडेड इन वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखो, डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज दैट क्लियर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आयन डाइपोल से कमजोरी होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या, डाइपोल ही तो होते हैं, एच एफ एच एफ,
ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? HF जो है वो तो डाइपोल डाइपोल ही है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक स्पेशल केस है, वहां भी तो चार्जेस पार्शियली होते हैं। ओके कैन वी मूव नाउ? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। सी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, लेट अस टॉक अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज मेटालिक बॉन्डिंग? देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटालिंग लिख दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, मेटालिक होता है ये। जस्ट मिनट, एक सेकेंड है ना। मेटालिक बॉन्डिंग, देखो आयरन का ब्लॉक देखा है, उसमें आयरन के ही एटम्स होते हैं। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड। तो आयरन के एटम्स जो हैं वो बड़े कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है? एवरीबॉडी ये ना तो आयनिक होगा ना तो कोवेलेंट होगा, ये समझ में आ रहा है? तो मेटल तो बड़ा मजबूत होता है ना, लोहे से मजबूती, हम तो उदाहरण देते हैं कि आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो आयरन के जो एटम्स हैं दे आर मस्ट बी बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू सम फोर्स, इज दैट क्लियर? तो अब वो भी इस तरह से बॉन्ड करते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज जनरेट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्डिंग। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? द इंटरैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। राइट इट डाउन। अमन विल टॉक अबाउट इट कि क्या फोर्स होता है। रिटर्न एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली थ्योरी बनाना है, मतलब बेसिकली कोई क्या करेगा, तुम्हें समझना चाहिए कि जब कोई थ्योरी बनता है तो वो किसके बेसिस पे बनता है, बताओ। जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम कोई थ्योरी बनाता है या कोई साइंटिस्ट थ्योरी किस तरफ सोचता है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी थिंग विच ही कीप्स इन माइंड? बेसिकली सारी चीजें तो ऑब्जर्वेशन के बेस्ड ही है ना, जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करना ही सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, इज दैट क्लियर? जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दें तो ही थ्योरी सही है ना, तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है, इज दैट क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन चीज, तो ऑब्जर्वेशन को ही एक्सप्लेन करना साइंस है, ये बात आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। समझ में आ रही बात? जो ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं उसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देना साइंस है, और उस प्रोसेस में जो साइंटिस्ट काम क्या करता है, एक थ्योरी बनाता है। तो अब बेसिकली मेटलिक बॉन्डिंग जो है उसमें हम समझते हैं कि क्या होता है, तो यहाँ भी कुछ इस तरह से थ्योरी बनाई जाएगी ताकि ये ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर दे, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कुछ यदि मैथमेटिकल फ्रेमवर्क मिलता है तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देते हैं, यदि मैथमेटिकल नहीं मिलता है तो दूसरी तरह से थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, बट ज्यादातर थ्योरीज को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रखा जाता है ताकि एक लॉजिकल मॉडल बने, राइट? कोशिश यही की जाती है कि ज्यादातर थ्योरी को मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया जाए ताकि लॉजिकल मॉडल बने। ठीक है, चलो ठीक।
तो अब मेटलिक बॉन्डिंग में क्या बताया गया? देखो मेटल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, ये तो सबको पता है, एवरीबॉडी ये पता है ना कि एक मेटल दूसरे मेटल को अट्रैक्ट करता है तभी इतना कॉम्पैक्ट मजबूत स्ट्रक्चर बनता है। तो अब बात है कि अट्रैक्ट करेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से? एवरीबॉडी तुम्हें क्या लगता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। तो अब जो भी इंटरेक्शन होगा दैट हैज टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज दैट क्लियर? अरे एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही होते हैं, राइट? तो जो भी इंटरेक्शन होगा अब तक वो चार्जेस के वजह से ही तो होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से ही तो पूरी कोवेलेंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग सब उसी के बेसिस पे पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन है, ये है, जो भी है, तो बेसिकली चार्जेस के वजह से ही होता है। तो ये मॉडल भी तो चार्जेस बेस्ड ही होगा ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा, ठीक है ना? अब देखो क्या बताया गया कि यहाँ पे बताया गया कि मेटल के होते हैं लैटिस, मेटल के होते हैं लैटिस, उसमें जो मेटल एटम्स होते हैं दे एग्जिस्ट एज कटायंस। सारे मेटल एटम्स जो हैं वो कटायंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये थ्योरी पहले सुन लो, उसके बाद जो सवाल होगा पूछना। इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, इसका मॉडल क्या है वो बताऊंगा मैं पहले। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये एक मॉडल दिया गया ताकि मेटल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सकी, राइट? तो अब जैसे इसमें क्या बताया गया कि इसमें मेटल एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कटायंस, मेटल एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कटायन, इज दैट क्लियर? तो अब मेटल एटम्स कटायन वाली बात क्यों बोल दी वो हम बाद में बात करेंगे। तो अब उसने क्या बताया कि जब सबके सब कटायन है तो उसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूम रहे हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का देखो कटायन बोलने का मतलब क्या होता, यदि हम मेटल को कटायन बोलेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्री है और फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्ट भी कर देगा। तो अब कटायन की तरह बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बड़ा बताना आसान होगा, कंडक्टिविटी बताना आसान होगा, इसलिए इन्होंने कटायन बता दिया। और कटायन बताएगा तो देखो क्या होगा, ये कटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये कटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके कारण ये अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा ना। जैसे समझने की कोशिश करो, दो कुत्ते एकदम आराम से चिल मार के बैठे हुए सो रहे हैं और दोनों इक्वली कैपेबल हैं, दोनों की झगड़ी मारपीट होगी या दोनों जब लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा। उनके बीच में तुमने रख दी दो हड्डी या फिर एक हड्डी, तो अब दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों में से किसी को दिखेगा क्या, किसी को मिलेगा वो हड्डी? किसी को मिलेगी? एवरीबडी, दोनों कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, किसी को नहीं मिलेगी। बट तुमने हड्डी फेंक के किया क्या बता? एवरीबडी तुमने हड्डी फेंक के किया क्या? उनके बीच का इंटरेक्शन चालू कर दिया, राइट? अब वो झगड़ते रहेंगे। तो लाइक वाइज यहाँ पे भी इनका इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये बताया गया कि इंटरेक्शन डेवलप तो चार्ज की वजह से ही होगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा ना, तो इन्होंने ये बताया है मॉडल में कि पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव चार्जेस उनके आसपास घूमते हैं, इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? और ये नेगेटिव चार्जेस जो है, ये एटम इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एटम इसका अट्रैक्ट करेगा और सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो आसानी से मूव कर सकता है, राइट? तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का समंदर है और इलेक्ट्रॉन के समंदर में मेटल कटायंस तैर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का समंदर में मेटल एटम्स एक तरह से तैर रहे हैं, जैसे मछलियां तैरती हैं समुद्र में। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? और ये जो है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्नल। कर्नल मतलब वही इनर, जैसे के एलिमेंट जो कर्नल होता है ना, वही कर्नल इनर स्ट्रक्चर है। ड्रॉ कीजिए इसको, मेटल एटम्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कटायंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द विसिनिटी ऑफ द कटायन, फाइन? एवरीडी इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? तो चेक करो, इंटरनेट चेक करो, सिद्धेश अपना।
द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर न्यूक्लियाई एज वेल, टुवर्ड्स अदर न्यूक्लियाई विच डेवलप्स, सॉरी विच डेवलप्स इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स. कर्नल मतलब, कर्नल मतलब इनर स्ट्रक्चर, जैसे के एलिमेंट होता है ना, तो कर्नल मतलब इनर स्ट्रक्चर होता है, इनर कोर को कर्नल बोलते हैं. तो कोर में तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ना, तो कर्नल जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का समंदर है और उसमें कटायंस जो है वो तैर रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. रिटन एवरीवन, इसमें किसी को डाउट है? Everybody, is that clear? ठीक है, फिर लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं. अब ऐसा मॉडल बताने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन एक्सप्लेन हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन हो गया, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो गई. विसिनिटी मतलब नियर बाय, नियर बाय. Everybody written? ठीक है. अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो कैन आई स्क्रोल डाउन? अच्छा अब एक बात बताओ, तो अभी सारे मेटलिक बॉन्डिंग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हम अभी? Can we explain the metallic bonding of all the elements? देखो, factors affecting जो है ना, metals के लिए कर सकते हैं ना? Everybody, metals के लिए तो कर ही सकते हैं. बताओ, factors affecting, देखो, factors affecting metallic bonding. Metallic bonding को कुछ factors affect करते हैं. ऊपर वाले सबने लिख लिया था ना? सिद्धेश नहीं लिखे थे? Write down then. अरे प्रणव रुक जाओ यार, अभी मैंने फैक्टर्स की बात है. अच्छा कुछ लोगों को बहुत जल्दी आंसर चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखो. चैप्टर थ्योरी स्टार्ट हुआ नहीं हो तुम्हारा, एंड का सवाल आ जाता है. अरे एक सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग. रिटर्न सिद्धेश, रिटर्न फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं? तुम्हें लगता है जेड इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल. तो एक बताओ, एक पूरे पीरियड में सबसे कम किसका होता है जेड इफेक्टिव? सबसे कम जेड इफेक्टिव किसका होता है? ग्रुप वन का होता है सबसे कम, पता है ना सबको. तो वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से भी कट जाते हैं, वो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे कोई खास. फिर ग्रुप टू का थोड़ा ज्यादा होता है, और जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होता है पता है? डी एंड एफ ब्लॉक. तुम्हें पता ही है Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होता है? डी एंड एफ ब्लॉक. तो लोहा इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि उनका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा है. और कोई फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. अच्छा एक बार बताओ, जब ये कटायन बनेगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे? वैलेंस वाले ही जाएंगे ना. तो अब ये भी सोचो, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक में. और सबसे कम किसमें होते हैं? एस ब्लॉक में. ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि एस ब्लॉक वाले रिलेटिवली सॉफ्ट क्यों होते हैं और डी और एफ ब्लॉक वाले इतने हार्ड क्यों होते हैं.
तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा. इज दैट क्लियर? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना, फिर तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन तो बढ़ जाएंगे ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, तो उससे मेटलिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी. कौन सा पॉइंट नहीं समझे सिद्धेश? डी और एफ ब्लॉक स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है. जेड इफेक्टिव आप पढ़िए, पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स देख सकते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ सकते हैं, वहां से हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है. एवरीबॉडी डन? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सप्लेन हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इससे एक्सप्लेन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, आराम से मूव करेंगे, ये तो समझ में आ ही रहा है. थर्मल कंडक्टेंस समझ में आएगा एवरीबॉडी? थर्मल कंडक्टेंस एक्सप्लेन होगा, हीट भी तो कंडक्ट करते हैं मेटल. देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है और थर्मल कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है बताओ? मूवमेंट ऑफ किसके वजह से? मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस. ये समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी अक्वायर करता है ना, जैसे इसको तुमने गर्म किया तो ये एटम को जैसे ये वाइब्रेट करने लगेगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा. तो हीट कंडक्टेंस के लिए ये एटम्स मूव करने के लिए फ्री होने चाहिए ना एवरीबॉडी? हीट कंडक्ट करने के लिए ये एटम्स मूव करने के लिए फ्री होने चाहिए. तो इस थ्योरी के हिसाब से ये एटम्स मूव करने के लिए फ्री हैं क्या? बिल्कुल है, इसलिए ये थर्मल कंडक्टेंस भी है. जैसे मान लो तुमने पतीला चूल्हे पे रखा तो पतीला का हर पार्ट गर्म होता है या कुछ पार्ट ही गर्म होता है? अरे पूरा पतीला गर्म होता है. तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे एटम्स फ्रीली वाइब्रेट कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए पूरा पतीला तुम्हारा गर्म हो जाता है. Is that clear? तो अब थर्मल कंडक्टेंस भी एक्सप्लेन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी एक्सप्लेन कर रहा है. अच्छा लस्चर एक्सप्लेन कर रहा है क्या? लस्चर मेटल्स का एक सरफेस पे लस्चर होता है. अरे ऑसिलेशन हो सकता है ना, ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस. अरे लस्टर नहीं जानते हो? मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, तो वो शाइन किसकी वजह से आता है? दैट इज बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वो भी एक्साइट डीएक्साइट होते रहते हैं अलग अलग एटम्स के बीच में. इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रहा है, तो उसके वजह से शाइन करता है. तो ये थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. अच्छा मेटल्स सोनोरस होते हैं, समझ में आया? सोनोरस मतलब समझते हो? सोनोरस जैसे घंटा मंदिर का बजाते हैं ना तो बहुत देर तक बजते रहता है, आवाज जो है रिवर्वेट करता है. तो उसका रीजन क्या है? वहां भी एटम्स जो है बार बार एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ये एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है ये. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, लस्चर, ठीक है. हाँ लेकिन सारे दे शुड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसी, बट है मेटल्स सारे क्यों करेंगे इमिट? कुछ कैरेक्टरिस्टिक ही इमिट करेंगे ना, वो तो प्रॉपर्टी होता है उनका. सारे क्यों इमिट करेंगे? ओके एवरीबॉडी डन? अरे सारे इमिट नहीं होते, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सारे थोड़ी इमिट होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट कर रहे हैं.
ठीक है, और एब्जॉर्ब तो वही करेंगे ना जो एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से चलेगा, तो सारे कैसे इमिट हो जाएंगे? सिलेक्टिव एब्जॉर्ब होंगे और सिलेक्टिव ही इमिट होंगे, और वो सिलेक्टिव कितने एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होंगे सॉरी, वो डिपेंड करेगा उनके जेड इफेक्टिव पे, तो वो तो सिलेक्टिव है, सारे कलर नहीं इमिट करेगा वो। ठीक है श्रेयस, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ऑसिलेशन एक्चुअली में नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक मेटल से दूसरे मेटल के पास जा रहा है और फोटोन आएगा तो एक्साइट डी एक्साइट करेगा, उसके कारण कलर आता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो एक और थ्योरी है, ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता। देखो देयर इज अ बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। लस्टर कैसे, देखो लस्टर का वही रीजन बताया, तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग न्यूक्लियस के पास जा सकता है ना, जैसे कुत्तों का एग्जांपल दिया था, हड्डी एक जगह से दूसरे जगह जाता है राइट, तो मेटल्स अंधेरे में थोड़ी जाते हैं, चमकते हैं। लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं। ठीक है, फोटोन फिर हटाओगे तो वापस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होकर निकल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब एक से दूसरे के पास जाना, दूसरे से तीसरे के पास जाना, एनर्जी अब्सॉर्ब इमिट करते हैं ना कंटिन्यूअसली, यही लस्टर का कारण है। बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो निकल जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी बैंड मॉडल। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी बैंड मॉडल का केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं है। ठीक है, बाकी अब तक जितना पढ़ा है ना उसको हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, बट इसको हम केमिस्ट्री में यूज बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है, इसको तुम फिजिक्स में यूज करोगे, इनफैक्ट ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मॉडल क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन ओनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन वेरियस सॉलिड्स, जिसमें मेटल्स भी आते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? देखो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या डिफाइन किया था, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफाइन किया था एक लूमो, याद है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड और होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड राइट। अब होता क्या था, एक होमो में इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन लेगा, फोटोन आएगा तो होमो से लूमो में जाएगा, फिर लूमो से डी एक्साइट होके होमो में आएगा, तो ये जो एनर्जी गैप है वो कलर डिसाइड करती है उसकी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। इज दैट क्लियर? ये जो डेल्टा है एनर्जी गैप, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कलर डिसाइड करता है, जो होमो लूमो एनर्जी गैप है वो। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होमो से एक्साइट होगा, फोटोन आएगा, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, लूमो में जाएगा, और लूमो से वापस आएगा तो कलर जनरेट करेगा राइट। ये तो जनरल थ्योरी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ी है। तो एनर्जी बैंड में इसको क्या मॉडिफाई करते हैं वो हमें देखना है। पहले इसको लिख लो, वॉट यू सेड, अरे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन तो बोर्स थ्योरी के जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन आपके लिए नई चीज है क्या एवरीबडी? अरे जैसे ये समझाया था तुम्हें, ये बॉल यहाँ पे है, बॉल को थोड़ी एनर्जी दोगे और यहाँ तक नहीं भेजोगे तो ये वापस जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन, और वापस एनर्जी यहाँ जाता है तो वापस आ जाता है, तो ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है। ये कहानी तो हमने बहुत बोर्स थ्योरी के जमाने से हम लोग चला रहे हैं राइट। एवरीबॉडी याद है, नहीं याद है बोर थ्योरी? यदि तुम इसको आयनाइज होने के लिए एनर्जी यहाँ चाहिए, तुम इसके बीच में यहाँ भेजोगे तो वापस आ जाएगा, तो ऊपर जाने वाले को एक्साइटेशन बोलते हैं और नीचे जाने को डी एक्साइटेशन बोलते हैं।
तो ये तो हर जगह हो सकता है ना, जैसे हमने मेटेलिक बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर दी, यहां एक्सप्लेन कर दी, तो हर जगह हो सकता है। रिटेन एवरीबॉडी, ओके। तो अब देखो क्या है, कुछ बात करेंगे यहां पर, क्या बताते हैं यहां पे, एनर्जी बैंड्स बताते हैं। एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, आई विल टेल यू। एक होता है वैलेंस बैंड एंड द अदर वन इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दो तरह के एनर्जी बैंड्स बताए जाते हैं, जैसे होमो और लूमो बताते हैं ना। एवरीडे रिटर्न, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे दो तरह के एनर्जी बैंड्स प्रपोज किए गए हैं, एक है वैलेंस बैंड एंड द सेकेंड वन इज कंडक्शन बैंड। अच्छा, जैसे हम ग्रुप 14 की बात करते हैं, देखो ग्रुप 14 में कैसे एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB, राइट। कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसको हम, हीलियम 2s2, 2p2, ठीक है। और यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, नियॉन 3s2, 3p2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन 4s2, 4p2, ठीक है, क्रिप्टॉन 5s2, 5p2, फिर जेनॉन 6s2, 6p2, और इनका जो हायर ऑर्बिटल है, जैसे 3s0, 4s0, 5s0, 6s0 और 7s0, ठीक है एवरीबॉडी। ये कॉन्फ़िगरेशन तो सबको लिखने आता ही होगा, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में रहते हैं ना एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल में रहते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जब तुम कंडक्ट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट बैंड में मूव कर जाएगा, जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये समझ में आ रहा है, जैसे मेटल को तुम वोल्टेज देते होते, आयनाइज तो नहीं होता ना। तो ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा वैलेंस बैंड से मूव करके, एक्साइट होकर के कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जस्ट ऊपर वाला हो गया, लूमो, ठीक है, ये इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। जब तुम वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, और तो वोल्टेज तुम कंटिन्यूअसली दोगे ना, जैसे ही वोल्टेज ऑफ करोगे तो वापस वैलेंस बैंड में आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है, जैसे ये बॉल को तुम यहां से यहां दो और एनर्जी यहां पे देते रहो तो ये नीचे आएगा क्या, एनर्जी जब तुम देना बंद करोगे तब नीचे आएगा ना, ये समझ में आ रहा है। तो अब ये बोल रहा है, तुमने वोल्टेज वायर पे लगाया हुआ है और वोल्टेज हटा ही नहीं रहो, तो वोल्टेज कंटिन्यूअसली दिए रहोगे तो ये कंडक्शन बैंड में ही रहेगा, इज दैट क्लियर। तो अब ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन से चला जाता है कंडक्शन बैंड में, मतलब कंडक्शन बैंड इसका एक तरह से बोल सकते हो तुम लूमो हो जाएगा, और वैलेंस बैंड जो है वो हो जाएगा होमो। कोई दिक्कत है? तो अब वोल्टेज दोगे तो कंडक्शन बैंड में भाग जाएगा, कहां से, वैलेंस बैंड में, इज दैट क्लियर। तो अब यहां पे क्या बोला जाता है, ये लिख लो पहले, राइट इट डाउन, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सप्लेन करती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एवरीबॉडी डन और नॉट, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ही एक्सप्लेन करती है, इज दैट क्लियर, और कुछ नहीं। इसको सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको आप लिखिए।
एवरेडी डन, ओके। अब देखो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस कंडक्शन बैंड तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट है क्या? एवरेडी किसी को डाउट है? एवरेडी किसी को डाउट है तो बताओ। ओके फाइन। तो अब देखो वैलेंस बैंड डी एनर्जी गैप, डी एनर्जी गैप, डी एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड डिसाइड्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, डिसाइड्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल सकते हो। ऑफ अ सब्सटेंस, ये बात सबको चमक रही है? अरे मान लो उसका कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो जाएगा ही नहीं ना कंडक्शन बैंड में, ये समझ में आ रहा है? जैसे कार्बन के केस में बात कर लेते हैं, देखो कार्बन का क्या था, 2p2 3s 0, ठीक है, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम Sn और Pb 3p2 4s 0, 4p2 सॉरी, दिस इज 4p2 5s0, 5p2 6s0, 6p2 7s0। तो अब देखो क्या है, तुमने ये पढ़ा है बोर्स, ये याद है तुम लोगों को बोर्स थ्योरी, डेल्टा ई डिक्रीजेस एज एन इनक्रीजेस, ये याद है? एनर्जी गैप बढ़ते जाता है जैसे जैसे एन, एनर्जी गैप सॉरी कम होते जाता है जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, ये याद आ रहा है सबको? एनर्जी गैप कम होता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता जाता है। तो एनर्जी गैप मैक्सिमम किसके लिए होगा बताओ? कार्बन के लिए होगा, इज दैट क्लियर? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है, ग्रेफाइट इज एरोमेटिक, उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं श्रेयस, ग्रेफाइट इज हैज अ डिफरेंट रीजन, उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं एंड द पाई बॉन्ड्स कैन मूव, वो अलग केस है, ठीक है, ग्रेफाइट का अलग केस है, उसमें पाई बॉन्ड्स मूव करते हैं, पाई बॉन्ड्स कमजोर होते हैं, फाइन। तो एनर्जी गैप मैक्सिमम किसमें है बताओ? एनर्जी गैप मैक्सिमम किसमें है एवरीबॉडी? एनर्जी गैप मैक्सिमम किसमें है? कार्बन में। तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर, ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। तो एनर्जी गैप मैक्सिमम है तो इंसुलेटर, एनर्जी गैप इंटरमीडिएट है या फिर बोल सकते हो डेल्टा ई यदि मॉडरेट है तो क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। और यदि डेल्टा ई मिनिमम है तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा ई इज एनर्जी गैप। एवरीबॉडी डेल्टा ई क्या है? इट इज एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, इज दैट क्लियर? डेल्टा ई मिनिमम है तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। तो अब देखो एनर्जी गैप यहां पर क्या है, Sn Pb मेटल्स हैं, दे आर कंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम बीच में आते हैं, दे आर सेमी कंडक्टर, ठीक है, और ये नॉन मेटल है, दिस इज इंसुलेटर। तो ये बैंड थ्योरी होगी, इज दैट क्लियर? देन राइट इट डाउन।
हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी गैप, सिद्धेश एनर्जी गैप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? एनर्जी गैप, अरे कुछ चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे बोलते हैं मैं बहुत बहादुर हूं, तो कितना बहादुर है उसका, कोई बहादुरी का कोई यूनिट होता है क्या? बट बोलेगा उससे ज्यादा बहादुर हूं, इज दैट क्लियर? ये बोलेगा कि मैं बुद्धिमान हूं, तो कितने बुद्धिमान हूं, तो बोलेगा उससे ज्यादा हूं या उससे कम हूं। तो कुछ चीजें नहीं कैलकुलेट की जाती और कंपेयर की जा सकती, जैसे विशेषताएं हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज विच कैन बी कंपेयर्ड। Why is it called band? अरे देखो आप बोलते क्यों है ये तो हम नहीं बता सकते। अब जैसे बोलने का तो कन्वेंशन होता है ना, जैसे किसी का नाम, जैसे सबके टाइटल्स अलग अलग होते हैं, तो अलग क्यों रखते हैं भाई? जिसको जो अच्छा लगता है वही रखता है, जिसको मन किया भाई मर्जी है, नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक थोड़ी होता है, कन्वेंशन होते हैं उसके पीछे, जिसको जो अच्छा लगता है रख लेता है। जैसे किसी ने कुछ नाम रखा है, किसी ने कुछ नाम रखा है, अब क्या बोलेंगे कैसा क्यों रखा, तो बोलेगा मुझको यही अच्छा लगा, कन्वेंशन है ना। ओके रिटर्न एवरीवन, किसी को डाउट है आज के क्लास में? एवरीडे हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया है। और अच्छा एक सवाल है कि एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होते हैं बताओ एवरीबॉडी, ट्रांजिशन एलिमेंट की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है, क्या रीजन है? एवरीबॉडी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के पीछे का क्या रीजन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई एंथैल्पी का देखो सबके पास होता है मेटलिक बॉन्डिंग, रीजन ये है दे हैव वेरी हाई जेड इफेक्टिव एंड दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर मेटलिक बॉन्डिंग, इज दैट क्लियर? उनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ये रीजन है ना। इसको अब स्क्रोल करूंगा नीचे, फाइन जेड इफेक्टिव भाई, हाँ करेक्ट रीजन वही है। अब देखो अब बैंड थ्योरी के हिसाब से जैसे ये मैंने बनाया VB और ये मैंने बनाया CB, तो एक तरह से VB और CB ओवरलैपिंग होते हैं या फिर एनर्जी गैप बहुत कम होता है, दिस इज कॉल्ड मेटल जहां पे, या फिर बोल सकते हो कंडक्टर, यहाँ पे एनर्जी गैप जो है इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, बहुत कम है, वेरी लेस, या फिर ओवरलैपिंग है, जिसको हम बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, ये है VB और ये है CB, बैंड्स बना रहा हूं बैंड, और ये एनर्जी गैप है, ये है मॉडरेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बैंड्स बना दिया, अरे ये स्टाइल है थ्योरी का, वो बैंड को ऐसे ही दिखाता है, और ये दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी, ठीक है एवरीडे, इज दैट क्लियर? और इंसुलेटर में क्या होगा बताओ, इंसुलेटर में डेल्टा ईजी एनर्जी गैप इज, दिस इज वीबी एंड दिस इज सीपी कंडक्शन बैंड, डेल्टा ईजी इज वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा हाई है, तो इसको अपन बोलेंगे इंसुलेटर, ये कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर और ये इंसुलेटर। किसी को डाउट है इसमें? तो ये फोटो बनाओ,
हाँ ये ड्रॉ करना है। हाँ एवरीबडी डन, एवरीबडी डन और नॉट? ओके तो देखो हमने कहां तक किया था, इंटेक्स एक्सरसाइज 10 तक तो तुम्हें होमवर्क दिया है हमारा। कहां तक डिस्कशन हो गया एवरीबडी केमिकल बॉन्डिंग में, कहां तक डिस्कशन हो गया है? इंटेक्स एक्सरसाइज 11 बचा है, आई टेल यू क्या क्या बचा है। इंटेक्स एक्सरसाइज 8 बचा है, 8 बचा है, 8 9 दोनों बचे हैं, 8 9 तो करवा ही है, 9 बचा हो सकता है। हाँ 9 कर लेना, तो अब 9 कर लेना, 11 कर लेना। एक्सरसाइज 1 तो मेरे ख्याल से पूरा डिस्कस हो गया होगा, ठीक है। अब जो भी बचा है वो करेंगे डिस्कस, जो भी एक्सरसाइज बचा है वो कब करें डिस्कस बताओ। चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे जो भी बचा है वो, ठीक है एवरीबॉडी। सैटरडे को हम डिस्कस कर लेंगे और वीके जायसवाल का मॉड्यूल नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। और आज 1 अक्टूबर है, सैटरडे को 3 अक्टूबर, हाँ तो आज का रिवीजन कर लेते हैं। हाँ आज का रिवीजन देखो हमने क्या पढ़ा है, आज आज हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो वंडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, वंडर वाल फोर्सेस होते हैं ऐसे फोर्सेस जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वीके जायसवाल अभी नहीं भी करते हो, पहले ये मॉड्यूल तो कंप्लीट करो तुम, ठीक है ठीक है, विल डू दैट दिस डोंट वरी अभी, ठीक है ठीक है, विल टॉक अबाउट द रिविजन सेशन। अभी यहां पर हम बात करते हैं किसकी, आज जो पढ़ा है उसकी पहले बात करते हैं, ठीक है। रिवीजन सेशन करेंगे नहीं बच्चों की, डोंट वरी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, वंडर वाल फोर्सेस की। अरे मैं समझ गया, आई हर्ड यू सिद्धेश, मैं सुन लिया, डोंट वरी। अब हम बात करेंगे वंडर वाल फोर्सेस की। तो वंडर वाल फोर्सेस देखो क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एवरीबॉडी ये बात आपको समझ में आ रही है, वंडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस के ऊपर। वो एग्जांपल बेस्ट है, वो लड़का ठेले के पास जाके समोसे की तरफ देखता था, समोसे की तरफ अट्रैक्ट होता था, फिर आइसक्रीम देखता था, आइसक्रीम की तरफ अट्रैक्ट होता था। तो जो डिस्टेंस आने पे चालू हो जाए और डिस्टेंस जाने पे खत्म हो जाए, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे जो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करे, वन डर वॉल फोर्स, राइट। और यदि इंटरेक्शन एनर्जी 1/r^6 है, इसका मतलब और बेकार फोर्स है। जितना r^1 रहेगा तो स्ट्रांग होगा, r^ जितना ज्यादा उतना बेकार फोर्स। सबसे स्ट्रांग होता है आयन डाइपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो वो ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है ना, वो ऑर्डर जैसे हमने कहां पढ़ा था, वो ऑर्डर याद है? हाँ ये है ना ऑर्डर, हाँ आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल, ये वाला ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली तुमको ध्यान इतना ही रखना है कि यदि परफेक्ट चार्जेस रहे एवरीबॉडी, यदि परफेक्ट चार्जेस रहते हैं तो उस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, और यदि पार्शियल चार्जेस होते हैं तो फोर्सेस कम होने लगते हैं, और यदि चार्जेस है ही नहीं यदि तो फोर्सेस बड़े वीक होते हैं, राइट। मेटलिक बॉन्डिंग कैसे समझाया, कि बहुत सारे कुत्ते हैं शरीफ से बैठे हुए हैं, बीच में हड्डियां फेंक दी बहुत सारे, तो इंटरेक्शन उनके बीच में चालू हो गया, यही ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन कटायन की जैसे रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का समंदर बनता है जिसमें कटायन मछलियों की तरह तैर रहे होते हैं, राइट। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शन होगा, उसके वजह से उतनी बेहतर बॉन्डिंग होगी, मेटलिक बॉन्डिंग होगी, और ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। कटायन कुत्तों की तरह, हाँ कटायन को मैंने कुत्तों की तरह बताया है, ठीक है, और हड्डी को इलेक्ट्रॉन बताया है। अब बात करते हैं बैंड थ्योरी की। तो बैंड थ्योरी क्या बताता है एवरीबॉडी बताओ, एवरीबॉडी बैंड थ्योरी क्या बताता है बताओ, बैंड थ्योरी बताता है होमोलोमा, तो ठीक है, एक वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस बताता है, और ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है।
तो अब ये जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, यदि वो ज्यादा है तो वो इंसुलेटर है, नहीं जा पाएगा, और यदि कम है तो कंडक्टर है, चला जाएगा, और यदि मॉडरेट है तो सेमी कंडक्टर है, राइट। तो एनर्जी गैप नीचे जाने पे ग्रुप में कम होता है, तो यदि कार्बन की बात करें तो वो इंसुलेटर, एनर्जी गैप ज्यादा है, बीच में सेमी कंडक्टर और लास्ट में कंडक्टर, राइट। एवरीबॉडी, तो ये हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर काफी बड़ा है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे जेरेड ऑर्बिटल क्या होते हैं, जानना चाहते हो व्हाट आर जेरेड ऑर्बिटल्स? ये कोर्स में नहीं है वैसे, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जेरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जेरेड का मतलब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होते हैं, जैसे किसी चीज को यदि घुमाओगे 180 डिग्री पे और सेम मिल गया तो उसको बोलते हैं एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करें किसका एनर्जी सिद्धेश? एनर्जी किसका? सिद्धेश किसकी एनर्जी की बात कर रहे हो? कंडक्शन के लिए एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, एनर्जी कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने समझाया था ना, बुद्धिमानी, बेवकूफी, ये सब मान लो एडजेक्टिव्स हैं, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं ना। कंपेयर किया है, कैलकुलेट थोड़ी किया है मैंने, कंपेयर किया है, राइट। और कैलकुलेट कर सकते हो, बट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? देखो, अब जेरेड का मतलब क्या है? जेरेड का मतलब है कि यदि किसी ऑर्बिटल को 180 पे घुमा रहे हो, कंपेयर कैसे किया? कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिद्धेश, कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके बेसिस पे जेरेड की बात कर लेते हैं। देखो, यदि तुम किसी ऑर्बिटल को 180 डिग्री पे घुमाओगे और सेम मिल गया तो उसको जेरेड बोलते हैं। मैं फोटो दिखा दूं चलेगा क्या? रोटेट बाई 180 डिग्री, यदि सेम मिला तो जेरेड है, और यदि डिफरेंट मिला तो क्या होगा? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डिफरेंट हुआ तो अनजेरेड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो, आई शो यू एन इमेज। एक मिनट रुकना है ना, मैं गूगल पे इमेज देख रहा हूं, थोड़ा सा एक मिनट लग सकता है, एक दो मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, चलेगा ना? एक सेकंड रुक जाना है ना, थोड़ा सा मैं इमेज ढूंढ रहा हूं, थोड़ा देर वेट कर लेना। ओके, आई होप यू कैन
सी द स्क्रीन नाउ। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, ये एवरीडे दिख रही है, नहीं दिख रही है? डू यू सी एन इमेज? तो आप देखो क्या है, ये वाले इमेज पे ध्यान देते हैं, ये वाले इमेज दिख रहा होगा शायद तुम्हें। तो अब जैसे इसको देखो 180 पे घुमाया तो साइन चेंज हो गया ना एवरीबॉडी, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 180 पे घुमाया, ये पाई ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर, पाई ऑर्बिटल है, पाई टू पी, तो इसको 180 पे घुमाया तो साइन चेंज हो गया। तो ये तो 180 से जूम इन करूं और जूम इन करूं और जूम इन करूं, अरे तुम गूगल कर लो, एक आसान तो वही होगा। रुको एक मिनट, अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा, ओपन ए न्यू टैब ही किया है, अभी भी नहीं दिख रहा? तो अब देखो यदि तुमने इसको 180 पे घुमा दिया तो 180 पे घुमाने के बाद देखो ये चेंज हो गया साइन, प्लस से माइनस हो गया, तो ये अनजीरेड है, साइन चेंज हो रहा है। और यदि देखो तुम इसको 180 पे घुमाते हो तो देखो ना क्या हो रहा है, यहां पहले भी प्लस था और अभी भी प्लस है, ठीक है? ऐसे घुमाओ कैसे भी घुमाओ सेम ही रह रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब यदि 180 पे घुमाने पे साइन चेंज नहीं होता है तो उसको जेरेड बोलते हैं। तो अब देखो पाई जो है, पाई पाई टू पी अनजेरेड है और पाई स्टार टू पी जेरेड है। इज दैट क्लियर? ये इमेज तुम ऐसे भी गूगल करके देख सकते हो, तुमको मिल जाएगा। पाई टू पी जेरेड है और पाई स्टार टू पी, सॉरी पाई टू पी अनजेरेड है और पाई स्टार टू पी जेरेड है, ये लिख लो अभी, राइट इट डाउन। एवरीबॉडी रिटर्न? उसी तरह तुम्हें ये इमेज दिख रहा है? एवरीबॉडी ये दिख रहा है? उसी तरह ये देखो, ये जो पाई सिग्मा सी, ये तुम्हें जो सिग्मा दिख रहा होगा, सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस जेरेड है और सिग्मा स्टार वन एस अनजेरेड है। इज दैट क्लियर? सिग्मा वन एस जेरेड है और सिग्मा स्टार वन एस अनजेरेड है, क्योंकि 180 पे घुमाओगे तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Everybody, please respond in the chat box. Is that clear or not? 180 पे घुमाने पे साइन चेंज हुआ है ना यहाँ पे? तो सिग्मा स्टार 1s अनजेरेड है और सिग्मा 1s जेरेड है। तो as ये होते हैं जेरेड और अनजेरेड ऑर्बिटल्स। ये फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगा, यू कैन सिंपली टाइप जेरेड एंड अनजेरेड। देखो ये फोटो, ये दिख रहा है ना? Everybody दिख रहा है? देखो ये जेरेड है क्योंकि 180 पे घुमाया तो चेंज नहीं हुआ, और ये अनजेरेड देखो प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? तो ये इस तरह का कॉन्वेंशन है। तो जेरेड हमने क्या क्या देखा, जेरेड के एग्जांपल्स बताओ, हमने क्या क्या देखा? सिग्मा वन एस एंड पाई स्टार टू पी, राइट? और अनजेरेड का क्या देखा है बताओ एवरीबॉडी? अनजेरेड का क्या देखा है? पाई टू पी एंड सिग्मा स्टार वन एस, ठीक है? वैसे ये कोर्स में नहीं है जेरेड अनजेरेड, कुछ बुक्स में रहता है, बट इट इज नॉट इन योर कोर्स। और किसी को कोई डाउट है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, विल हैव अ डिस्कशन ऑन द सैटरडे, ठीक है? गुड बाय। ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम उससे ही निकालोगे जो हाइड्रोजन एक्चुअली में बॉन्डेड है, मतलब जो हाइड्रोजन एफ ओ आर एन के साथ बॉन्डेड है ना, उससे पता चलेगा कि तुम्हें कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? दैट इज हाउ यू डिटरमाइन। चलो फिर ठीक है, गुड बाय।